Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and this is Hindu Soni from Applied Science Department, RPIT Campus. And in today's class, I will be discussing about Treponema pallidum. It is the bacteria that causes sexually transmitted disease in human beings called syphilis. This bacteria, according to its morphology, is motile and appears like thin threads like spirals. लाइक माइक्रोस्कोपी भी अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो ये स्पाइरल्स के फॉर्म में आपके एग्जिस्ट करते हैं सिंगल लेयर में एक थिन थ्रेड की तरह एंड दे आर मोटाइल जस्ट ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर. दिस बैक्टीरिया अपीयर्स एज नेगेटिव स्टेनिंग बाय इग्नेनिंग, वेयर इग्नेनिंग इज अ डाई दैट बेसिकली स्टेन्स द कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर्स. सो अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करोगे तो आपको डार्क बैकग्राउंड में ब्राइटली कलर्ड स्पाइरल्स नजर आएंगे. ठीक है, they are short and some are parasitic and saprophytic as well. Parasitic means they are totally dependent upon the living tissues or living cells aur uske andar hi exist karenge, and saprophytic means dead or decaying matter pe bhi survive kar sakte hain. So inhe hamesha living tissues ki hi zarurat hoti hai, ye organisms ke andar hi multiply karenge, wahi pe hi as a host unko inke andar reside karenge. Theek hai, so general characteristics of Treponema pallidum are they can't be grown in artificial media. लाइक जो हम मीडिया बनाते हैं ब्लैडर गार्ड निकॉन की, वहां पर इसको आप कल्टिवेट नहीं कर सकते हो लैबोरेटरी कंडीशंस में. सो दे आर को कल्टिवेटेड विद टिश्यू कल्चर सेल्स अंडर एनरोबिक कंडीशंस. ठीक है, कल्चर करने के लिए हम सेल कल्चरिंग करते हैं और अलोंग विद दैट सेल कल्चरिंग या आपके बैक्टीरिया टिश्यूज के अंदर ग्रो करेंगे. नेक्स्ट डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम इज साइफिलिस. साइफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जिसके सिम्टम्स स्टार्टिंग में तो सोर लाइक आपको ब्रिसल्स होंगे, सोर्स होंगे जेनाइटल्स पे, रेक्टम पे या माउथ पे, लेकिन ये आपके धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे. लेकिन ईयर आफ्टर ईयर आपका डैमेज टिश्यूज को होने लगेगा, फर्दर ऑर्गन्स आपके डैमेज हो जाएंगे. ठीक है, सो आपके जो बेसिक सिम्टम्स है साइफिलिस के वो आफ्टर सो मेनी ईयर्स अपीयर होंगे, जिसमें आपके मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होगा एंड फाइनली डेथ ऑफ द ह्यूमन बींग टेक्स प्लेस. So it was all about Treponema pallidum.